सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड फॉर यूट्यूब चैनल दिस इज योर फ्रेंड गॉडफ्रेंड भाई। आज के लोग आपको लेकर आए क्रिस्टल कार के करोल बाग। तो भाई आज माता रानी का दिन है, नवरात्र का पहला दिन है आज। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्सॉन, जो भी रिसेंट में नेक्सॉन लॉन्च हुई है वो हमारे पास आई है काम होने के लिए। दो दो नेक्सॉन आप लोगों को एक साथ दिखाने वाला हूँ जो पूरी नई है। तो पहले हम गाड़ी के अंदर जो करने वाले हैं वो उसका हेड यूनिट चेंज करने वाले हैं प्रॉपर OEM जीरो फिटमेंट के हेड यूनिट के फ्रेम के साथ। उसके बाद उसके अंदर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स रखने वाले हैं। सेंट्रल लॉकिंग नहीं आई थी गाड़ी के अंदर, सेंट्रल लॉकिंग भी लग रही है। और इसके अंदर ना ये लगा लो कि स्पीकर नहीं थे तो कंपोनेंट वगैरह भी लग रहे हैं। और साथ में जो है इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ पता क्या हो रही है, पावर विंडो डाल रही है टाटा की OEM जेवन दोनों गाड़ियों में। आइए आपको ले जाता हूँ नई टाटा नेक्सॉन की। तो ये है अपने पास ऑल न्यू नेक्सॉन जो अभी रिसेंट में लॉन्च हुई है। विजय भैया कैसे आप? बहुत बढ़िया जी। विजय भैया क्या काम करने वाले हो नई वाली नेक्सॉन? आज हमारे पास क्रिस्टल कार केयर पे नेक्सॉन आ गई है, आ चुकी है नई वाली जो अभी रिसेंट में लॉन्च हुई है। अभी जो समझ लो हफ्ता दस दिन पहले लॉन्च हुई है। ठीक है भैया, करने क्या वाले उसके अंदर? उसके अंदर सब कुछ ऐसे भी आ चुका है हमारे पास इसका। ठीक, आपको जो लगवाना है आप लगवा सकते हैं। ठीक है, इसमें स्टॉक LED वाली हेडलाइट आता है। स्टॉक इसमें LED ही आती है, राइट? तो कोई ऑप्शन नहीं LED लगाने का। ठीक ठीक है, फोक लाइट आपको आइसक्यूब वाली यहाँ लग जाएगा। अवेलेबल है भैया? अवेलेबल है, मिल जाएगा। ठीक है भैया, ये अवेलेबल हमारे पास लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद साइड प्रोफाइल है भैया? साइड प्रोफाइल में OEM भी अवेलेबल है, ये भी आप चेंज करा सकते हैं। करवा सकते हैं, हाँ जी। ठीक है भैया, इसका डोर वाइजर, डोर वाइजर भी है। रूफ रेल तो लगा ही रहे हैं भैया, वो भी डाइजेस्ट ब्रांड में लगाएंगे, लोकल नहीं लगाएंगे। लोकल नहीं है, डाइजेस्ट की है। ये देखो डाइजेस्ट कहाँ लिखा भैया इस पे? ये राड भाई जी, डाइजेस्ट ब्रांड में होगा। पेंट की फिनिशिंग देख लीजिए, फिनिशिंग वगैरह सब के साथ। ये लगने के 10 दिन बाद आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे कि ये बाहर से लगा है। बाहर से लगा है, ठीक है। अच्छा भी गाड़ी के अंदर क्या कर रहे हो आप? इसके गाड़ी के अंदर अभी हमारे सेंटर लॉक लग रही है, सेंटर लॉकिंग लगा है, कपलर टू कपलर प्रॉपर जेन्युइन। ठीक है भैया, आगे स्टेज 3 का कंपोनेंट लग रहा है, स्टेज 3 का कंपोनेंट यहाँ लगा है, सिंगल का डी बेस का एंड्रॉइड लगेगा, दो बेस यहाँ पे भी है ना। हाँ, उसकी फ्रेम है भैया हमारे पास, इसका फ्रेम इसका। ठीक है भैया, बाद बाकी सीट कॉर्ड का ऑप्शन है, फ्लोरिंग मैट का ऑप्शन है, वेलकम प्लेट लगा सकते हैं। ठीक, इसमें अभी डोर वाइजर भी लगेगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। भैया आपने एक चीज तो बताई नहीं, जो कर रहे हो उसके अंदर पावर विंडो लगा रहे हो क्या? अभी आगे पावर विंडो आ रखा है तो पहले ही बता दूंगा। विजय भैया ने सस्पेंस रखा था, मैंने बता दिया आप लोगों को। हाँ विजय भैया बताओ, आपको इधर हैंडल दे रखा है घुमाने वाला। हाँ, ये हैंडल घुमाने वाला। इसमें पीछे पावर विंडो नहीं आता पहले वाली नेक्सॉन की तरह, जैसे पहले वाले में नहीं आता था इसमें भी नहीं आता, पावर विंडो नहीं आता, पीछे नहीं आता। हाँ, तो अब हम इसके अंदर करने वाले क्या है ये पूछिए। हाँ, हम लगा रहे हैं भाई टाटा की जेन्युइन पावर विंडो। ठीक है भैया, इसमें आपको हम ड्राइवर साइड से भी कंट्रोल करके देंगे चारों विंडो जेन्युइन स्विच के साथ। ठीक है भैया, चारों कंट्रोल होगा ड्राइवर साइड से और पीछे दोनों में पैनल के अंदर ही स्विच लगेगा। आप इधर आइए, इधर से डोर खुल चुका है, खुल चुका है। हाँ, इस साइड का डोर दिखाते हैं आपको, ये भैया यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ पे हैंडल लगा हुआ था। हाँ, घुमाने वाला बेसिकली हट जाएगा यहाँ से, इसको हम बिल्कुल पैक बंद कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि इसको कुछ लगा हुआ था कुछ। ठीक है, ये पैनल चेंज होता है, चेंज होता है ये भी। हाँ, और इसके अंदर स्विच लगता है। मुझे भी एक बार पावर विंडो भी दिखा देना ना, मैं कैसे दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये है, इसके बाद इसके इनर हैंडल भी आप चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, लगा सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, फुटरेस इसका काफी सारी रेंज में फुटरेस अवेलेबल है। ठीक है, सकते हैं सीट कवर का, आपको जैसा डिमांड हो वैसा सीट कवर मिल जाएगा। ठीक है भैया, एक बात बताओ, आपके पास एक ही नेक्सॉन आई है, दो आई है? दो नेक्सॉन आई है, दूसरी भी दिखा दो। चलो दूसरी भी दिखा देता हूँ। हाँ, पीछे लगाने वाले कैमरा यहाँ पे लगाएंगे, कैमरे की प्लेसमेंट अभी होनी बाकी है। बाकी भी इसका डिफ्यूजर भी आपके पास पीछे का? डिफ्यूजर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, पीछे का तो लग जाएगा, फ्रंट का चेंज है थोड़ा। अच्छा, फ्रंट का चेंज है, पीछे का पुराना वाला लग जाएगा जो आता ही था। ठीक है, इसके बाद कनेक्टिंग टेल लैंप है हमारे पास भी। अच्छा भाई, एक बात बताओ, बेस मॉडल में ये एल्टो उसी की तरह है क्या? फ्रॉन्क्स की तरह जलती नहीं है? यहाँ से यहाँ तक चेंज हो जाएगा, यहाँ रिवर्स की लाइट जलेगा। अच्छा, यहाँ पे सेंटर में हमारे पास वो भी अवेलेबल है। हाँ जी, ठीक है भैया, इधर से मैटिंग इधर जाएगा, इधर से इधर वेलकम, जैसे आपको नॉर्मल क्रेटा उरेटा में आप लाइट जलते हुए देखते हैं, सेम फंक्शन कंपनी इसमें भी दे रखा है। ठीक है भैया, इसके बाद आपको एंटीना इसमें नहीं आता, शार्क पिन एंटीना भी अवेलेबल है, टाटा का जेन्युइन। आफ्टर मार्केट चाहिए तो आफ्टर मार्केट भी अवेलेबल है। ठीक है, और बेस मॉडल में जैसे डंडी वाला एंटीना आता है वो भी अवेलेबल है, मतलब अवेलेबल हमारे पास सारी चीजें है। सारी चीजें, ठीक है भैया। भाई दूसरी वाली गाड़ी कहाँ खड़ी है? दूसरी वाली गाड़ी अपनी दुकान में खड़ी है, जो काम हो दिखाओ उसके अंदर भी दिखाओगे भैया। भैया ये दूसरी गाड़ी है, एक गाड़ी दुकान पे लगी है अपनी, ये दूसरी गाड़ी है? दूसरी गाड़ी है, दोनों सेम नंबर आपको दिख रहा होगा। हाँ, दोनों दिल्ली नंबर ही गाड़ी है, तो सेम काम इसके अंदर भी हो रहा है, सेम प्रोडक्ट लग रहा है, सेम प्रोडक्ट। हाँ, क्योंकि जब एक चीज अगर हो रहा होता है ना, हाँ, तो दूसरे आदमी थोड़ी करते हैं, मुझे भी यही करना, मुझे भी यही करवाना है। सही बात है, तो इस गाड़ी के अंदर भी पूरा सेम काम कर रहे हो आप। तो इसके अंदर ये देखिए, दो वाला हट गया पार्ट, चार वाला स्विच लग गया पावर विंडो का। ठीक है, इसी तरीके से पीछे भी देख लीजिए,
पीछे भी दिखा दो, ये यहाँ पे अच्छा ये लग गई है पीछे। ये लग गया स्विच और पैनल, और कोई कहेगा कि भाई लोकल होगा, टाटा की ब्रांडिंग देख लो, ठीक है। और ये पैनल आपने उस नेक्सॉन में खुलाओ देखे थे, प्लेन हाँ, था, ठीक है, इसमें स्विच लग गया। तो दोनों के अंदर पावर विंडो भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं पीछे, ठीक है भैया। बाकी गाड़ी के अंदर ने यहाँ पे काम ब्रांडिंग में अभी बहुत सारा, ये फ्लोरिंग वगैरह भी हो रही है इसके अंदर। इसके अंदर स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल वगैरह लगा रहे हो? स्टीयरिंग कंट्रोल भी लगाएंगे, लगाएंगे। दुनिया से बहुत हट के काम होता है हमारे पास, अच्छा, कोई जल्दीबाजी नहीं होता, और A1 काम होता है, और प्राइस भी A1 होगा आपको, लूटा मारी वाला कोई काम नहीं है हमारे पास। कि कई बंदे वीडियो डालते हैं OEM पार्ट का, ओके, परचेजिंग से भी 1500 कम, तो भाई वो आपके साथ धोखा करेगा, डंपिंग महंगा लगाएगा, स्पीकर महंगा लगाएगा, आफ्टर मार्केट आपको दुनिया भर के महंगा लगाएगा। आप सोचोगे वीडियो देख के आँख बंद करके वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो जेन्युइन पार्ट की रेट बहुत कम दे रहा है तो समझ लो फ्रॉड आपके साथ करने वाला, और अगर आपके साथ फ्रॉड होगा, अगर जेन्युइन रेट अगर आपको मिल रहे हैं ना, खाली जेन्युइन लगवा के आ जाओ ना, उसमें तो देखते हैं करते कि नहीं करते आपकी गाड़ी। टाटा हम, लेकिन आपको अब तभी अच्छे इसकी पूरी पावर जो किट हमारे पास अवेलेबल है दिखाते हैं। मैंने गाड़ी आपको दिखाई थी पहले, कंपोनेंट लगते हुए दिखाई दिए थे। टाटा की गाड़ी के अंदर ना बेस मॉडल के अंदर क्या होता है, वायरिंग नहीं आती है। ये पूरी वायरिंग हम लोगों ने बनाई है इसके अंदर, है ना, पूरी वायरिंग डाली है, इसके अंदर वायरिंग नहीं आती ना, ठीक है। बेस मॉडल के अंदर वायरिंग आती है इस वाली में, नेक्सॉन के अंदर, ठीक है। तो ये देख लो, ये इसके अंदर काम चल ही रहा है। मेरा मेन मोटो आपको पावर विंडो दिखाने का है, जो ये हो रही है ना, ये उस गाड़ी में हो चुकी थी, इसमें लग रही है। ये मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ कि कैसी हो रही है इसके अंदर। तो जैसे मैंने आपको लास्ट कार में दिखाया था ना उस वाली में, तो ये देखो ये फ्रंट वाले डोर पर लगनी बाकी है अभी पावर विंडो अपनी टाटा की, ठीक है। ये अपनी रेयर पे, ये रेयर डोर पे लगेगी अभी, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं ना घुमाने वाला आ रहा था, भैया ने उसको हटा दिया यहाँ से। अब इसकी इंस्टॉलेशन यहाँ पे भैया करेंगे, और ये पूरा प्रॉपर टाटा का जेन्युइन होता है, ठीक है। ये उस साइड के डोर का हो गया, तो पीछे की जो है पूरी प्रॉपर पावर विंडो यहाँ पे लगाई जा रही है। अभी इसके अंदर ना मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, स्टीयरिंग माउंट्स कंट्रोल भी इसके अंदर अभी लगने बाकी है, हेड यूनिट लगना बाकी है, सारी चीज़ें आपको आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो या कुछ भी काम कराने का प्लान है, तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोगों को सारी डिटेल यहाँ में शेयर करूंगा। तो बंटी भैया अब आप क्या कर रहे हो इसके अंदर? मैं स्टीरियो फिटिंग कर रहा हूं। स्टीरियो की फिटमेंट कर रहे हो, ठीक है। मैंने फ्रेम दिखा दिया, फ्रेम तो ये लग जाएगा, ठीक है। अब वायरिंग दिखा दो, आप वायरिंग तो नहीं काट रहे इसकी? वायरिंग ये कंपनी का जर्मन कपड़ा है, ये देख लो भाई, ये कंपनी का, ठीक है भैया। ये हमारा कपड़ा है, ठीक है, ये लग गया इसके पीछे, डन। अब बाकी जितने भी हमारा जो ये वायरिंग आ रही है, ये हमारी स्टीरियो के पीछे लग जाएगी, ये भी जैक टू जैक जाएगी। और भी ये जो वायर आ रही है किस चीज़ की आ रही है? ये स्पीकरों की वायर है, दरवाजों में इसके, अच्छा हाँ, स्पीकर वायर नहीं आती इसके अंदर, तो आपने प्रॉपर अलग से डाली है पूरी, ठीक है। तो प्रॉपर भाई उसके अंदर स्पीकर वायर भी है, अलग से इंस्टॉल करी है। अगर आपको इनकेस लगे ये वायरिंग कहाँ से आ रही है, तो ये स्पीकर वायरिंग है, ये अपने कपलर के पीछे की वायरिंग है, ये अपनी सारी वायरिंग आके लग जाएगी अपने हेड यूनिट के पीछे, ठीक है। भैया यहाँ पे प्रॉपर इसको रेडी भी कर, गाड़ी के अंदर आप देखेंगे कि ना इसके अंदर स्टीयरिंग आप चेकआउट कर लो, ये स्टीयरिंग के अंदर अभी माउंटेड कंट्रोल्स भी लगने बाकी है दोनों तरफ, जस्ट वेट एंड वॉच, पूरा आपको दिखाता हूँ डिटेल में आगे। तो यहाँ पे ना अपनी गाड़ी के अंदर हम लोगों ने जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लिए हैं। वॉल्यूम कम करके देखते हैं एक बार, ये देखो वॉल्यूम कम हो रही है, ये बढ़ा के देखते हैं कम हो रही है, तो ये प्रॉपरली वर्किंग में भी है इसके अंदर। तो कुछ ऐसे नज़र आते हैं इसके OEM, चलो हेड यूनिट अपना लग गया है सामने, चलो अब पावर विंडो पे काम होगा, मैं आपको दिखा दूंगा। अब इसकी मेरी ख्याल से इसके ऊपर वर्किंग होनी बाकी है, अच्छा होने हो, ये भी स्टार्ट हो गई है, ये देखो पूरी प्रॉपरली वर्किंग है, ठीक है चलो। तो यहाँ पे अपनी दोनों नेक्सॉन हो गई है पूरी तरह से कम्प्लीट। वैसे भी क्या काम किया है गाड़ियों के अंदर आपने डिटेल में बता दो। नेक्सॉन 2023 अभी 15 दिन पहले लॉन्च हुई है, ठीक है भैया। इसके अंदर हमने जो जो लगाया फ्रंट से, इसको कुछ नहीं लगाया, हॉर्न लगाया, हॉर्न लगाया बस फ्रंट में, ठीक है। इसका आवाज सुना दूंगा, ठीक है, टोन हॉर्न है, ठीक है। अच्छा भैया एक चीज और, गाड़ी में क्या क्या लगाया है और क्या क्या इसमें आप कर सकते हो वो ये बताना, ठीक है। इसके अंदर फोक लाइट लग जाएगा, फोक लाइट लग सकती है, आइसक्रीम वाली फोक लाइट इसका आएगा, बेस मॉडल के लिए बना हुआ है, यहाँ पे जगह दे रखा है कंपनी ने, यहाँ पे लग जाएगा, ये देखो यहाँ पे जगह दे रखी है, यहाँ फोक लाइट आपकी लग सकती है, हमारे पास अवेलेबल है। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद क्या? इसके बाद इस गाड़ी में सेम काम हुआ है, हॉर्न इसमें भी सेम लगा है, सेम इसके अंदर भी सेम हॉर्न बजा भी दिया उन्होंने, सेम हॉर्न हुआ है, जो आवाज आपने सुन लिया, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो साइड में हुआ वो आपको बता देता हूं, साइड प्रोफाइल पे दिखा देते हैं गाड़ी के। इसके अंदर आपको 4-piece क्रोम लाइन डोर वाइजर लगा है, क्रोम लाइन ऊपर रूफ रेल लगा है, रूफ रेल चेक आउट कर जो की डाइजेक्स ब्रांड में है, ठीक है। ये फाइबर यहाँ लोकल नहीं है, डाइजेक्स का इसका कलर फेड कभी नहीं होगा, ठीक है भैया, ठीक है। दूसरा आपको पीछे रियर कैमरा आपको OEM जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। भैया ये लाइट अगर किसी को चाहिए तो ये लाइट भी मिल जाएगा 14,000 रुपये के अगेंस्ट,
14,000 दोनों तरफ मैट्रिक्स चलेगी, अभी भी जलता है ठीक है, 14,000 रुपए के रेंज में मिल जाएगा। 14,000 में पीछे की आपको लाइट मिल सकती है ठीक है। एंटीना नहीं आता, एंटीना भी लगाया है, एंटीना लगाया है, ये भी जेन्युइन है, इसका कीमत 1100 रुपए एंटीने का। यहाँ से आप दिखाते हैं आपको उसके अंदर से सबसे कमाल। हाँ, इस मॉडल में या टाटा की नेक्सॉन पुरानी है नहीं जो अब आई है फेसलिफ्ट, उसमें भी टू डोर पावर विंडो लग के आते हैं। हाँ ठीक है, जिन भाई को अगर फोर डोर पावर विंडो कराना हो जेन्युइन टाटा, तो इस तरीके से आप पूरे बेजल के साथ टाटा के स्विच के साथ टाटा की वायरिंग और कैंची के साथ आप हमारे पास लगवा सकते हैं ठीक है। भी आता है ये डंडी बंद हो गया, कोई आपको ऊपर से देखो हाथ में नहीं लगेगा, प्रॉपर पैक हो गया ठीक। और ये लगाया आपने, पैनल आपको लग गया, पैनल भी इसकी डिग्गी में दिखा दूंगा अभी दोनों गाड़ी का, ये लग गया स्विच लग गया इसके कैंची और वायरिंग लग गया ठीक है। ये नेक्सॉन आपने लगाया, नेक्सॉन अभी हमने लगाया फ्रंट पे भी और रियर पे भी ठीक है। नीचे कोको डाल वाली फ्लोरिंग हुआ, इसकी फिनिशिंग चेक कर लीजिए, अभी कोई मैट नहीं डला है, विदाउट लाइट है, नेक्सॉन विदाउट लाइट वाला यहाँ पे हमने इंस्टॉल करा है, विद लाइट भी आप लोगों को जो है इसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा, इसके अंदर आपको लाइट वाला भी अवेलेबल है ये जाएगा। यहाँ दिखा देंगे बटिक से एरिया आपकी क्रोकोडाइल वाली इसकी, इसके बाद इधर लेदर रैप या पियानो या कार्बन फिनिश में जो भी कराना हो ये भी हो जाएगा आपको ठीक है, ये भी हो सकता है। स्टेयरिंग कवर आपको मर्सरीज की तरह डबल टोन में स्टेयरिंग कवर लग जाएगा इसके अंदर, स्टेयरिंग बटन आपके सामने है, ये लगाया स्टेयरिंग बटन भी लगाया अभी हमने ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आपको देसी जो आर्मरेस्ट होता है लक्कर का बना हुआ 900 रुपए 850 के रेंज में मिल जाएगा। मुझे भी इसका अगर OEM चाहिए हो तो OEM चाहिए, 14,000 रुपए का OEM 14,000 का OEM आर्मरेस्ट फिट करके पूरा ठीक है। इसके बाद इसमें सीट कवर की रेंज अपने पास 4500 रुपए से स्टार्टिंग है, 4500 रुपए हाई सपोर्ट के साथ होगा, और क्रोल बाग में जो हमारी क्वालिटी होता है वो किसी के पास मिलना मुश्किल है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वीडियो में कोई जितनी मर्जी डाले कुछ भी करे, जो भी दिखाए सीट कवर, जो अगर जिन भाई को सीट कवर की क्वालिटी देखना हो आप कहीं भी लगवाओ, आके एक बार चेक कर ले फिर वो कहीं सीट कवर नहीं लगवाए। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं गाड़ी के अंदर, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल भैया ने इसके अंदर यहाँ पे इंस्टॉल करे हैं ठीक है, प्रॉपर OEM जेन्युइन यहाँ पे लग चुके हैं ठीक है। एक बार आपको इससे वॉल्यूम अप डाउन करके दिखा देता हूँ, ये देखो वॉल्यूम अप डाउन सब हो रही है इसके साथ, यहाँ पे अगर म्यूट करना है तो सेंटर में एक बार दबाना है, ये म्यूट हो रहा है ये अनम्यूट हो रहा है, प्लस माइनस ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ प्रॉपरली इसके अंदर वर्किंग में है। विजय भैया ये देखो ब्लूटूथ दबाया तो मैंने सेटिंग खुल गई है इसकी सारी ठीक है। विजय भैया हेड यूनिट का आपने फ्रेम पूरा जीरो फिटमेंट कैसे लगाया? जीरो फिटमेंट के साथ पियानो फिनिश का फ्रेम है इसका ठीक ठीक है। इसकी आपको कीमत जो सिस्टम है ये डी बेस कंपनी का है, 232 प्रॉपर है ठीक है भैया ठीक है। स्टीयरिंग कंट्रोल आपने दिखा दिया, हाँ जी फ्लोरिंग मैंने दिखा दिया, सीट को इसमें नहीं लगाया, नहीं लगाया, गाड़ी आई है आज ही डिलीवरी मिला है इनको, हाँ जी, और भैया के पास टाइम भी नहीं है, इस वजह से बोले सीट को दोबारा लगवाऊंगा नेक्स्ट टाइम पे लगा। तो जो जरूरत की चीजें थी, सेंटर लॉक, पॉड विंडो, म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम तो आपने बता दिया सब कुछ लगा, वो तो स्पीकर तो बता दो, स्पीकर हमने स्टेट 3 का कंपोनेंट लगाया फ्रंट पे, पीछे कोएक्सल लगाया स्टेट 3 का ही ठीक है। विजय भी अगर जेन्युइन की 100% की गारंटी है, आप कहीं भी चेक करा सकते हैं, डी का कोई सवाल जवाब क्रिस्टल कार केयर पे नहीं होगा ठीक। और दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा, जिस भाई को फेसलिफ्ट नेक्सॉन या पुरानी नेक्सॉन में काम कराना हो तो अपने दिमाग में एक नाम क्रिस्टल कार केयर याद रखे, आप क्रोल बाग अगर आए तो आपको क्रिस्टल कार केयर पे एक बार आप विजिट करें, आपको सारी वैरायटी मिल जाएगा ठीक है, सारी प्राइस मिल जाएगा, उसके बाद आप अपने आप में डिसाइड कर लोगे भैया दुकान देखने के बाद कि मुझे काम कहाँ कराना चाहिए ठीक है। मुझे भैया ने बताया, मैं एक दो चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, इसके अंदर भी आप करवा सकते हो, इसके अंदर रैप करवा सकते हो, इसमें रैप नहीं होगा, इसके अंदर लेदर रैप हो, हाइड्रो डीपिंग हो जाएगा ठीक ठीक, पियानो हो जाएगा, मुझे भी, जो भी कुछ कराना चाहोगे हो जाएगा। एक चीज और, एम्बिएंट लाइट कहाँ कहाँ लग जाएगी इसके अंदर? इसके अंदर एम्बिएंट लाइट का बहुत अच्छा ही जगह है, यहाँ पे लग जाएगा जी पूरी, यहाँ से वहाँ तक पूरी साइड, क्या बात। और डोर भैया इसके बाद यहाँ लग जाएगा ठीक ठीक ठीक, इस गाड़ी के अंदर बहुत जगह यहाँ लग जाएगा, तो कुछ गाड़ी ऐसे होते हैं जिसके अंदर अच्छी बहुत अच्छे से लगने का बहुत अच्छा जगह होता है और बहुत अच्छी दिखता है लगने के बाद। अच्छा भैया एक चीज और, इसके अंदर साइड ग्लास नॉर्मल लगे हुए, साइड ग्लास भी आपको ऑटो फोल्डिंग लग जाएगा हाँ जी ठीक है। भैया कुछ वैल्यू कॉस्टिंग वगैरह का आइडिया दे दो, उसका भी एक आइडिया अमाउंट बता दो, 13-14,000 रुपए का न्यू ब्रांड आपको शीशा लग जाएगा, इतने में लग जाएगा हाँ। ठीक है विजय भैया, विजय भैया साइड में एक और वो खड़ी है नेक्सॉन, दोनों भैया लोग अपनी सेम गाड़ी लेकर आए हैं ना, दोनों गाड़ी साथ साथ शोरूम से निकाले साथ साथ लेके आए, सेम काम हुआ है, सेम प्रोडक्ट लगा है हाँ। उसमें भी दिखा देता हूँ, इसके अंदर आपको जो गाड़ी से निकली
हुई है सामान वो भी दिखा देता हूँ और उसमें भी आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ क्या क्या लगा है। ये डिग्गी के अंदर सामान है इसके। आप कहेंगे कि भाई पावर विंडो लगा ये नहीं लगा ये बता देता हूँ। तो भाई ए स्टार्टिंग पे ए लग के आया था। हाँ ठीक है ठीक है। ये हैंडल घुमाने के लिए लगा हुआ था पीछे की। हाँ पीछे की दोनों। ये आगे का देख लीजिए दो बटन लगा हुआ है। फ्रंट की पावर विंडो आती है। पावर विंडो का ठीक है। ये सिस्टम सिस्टम हाँ जो लगा है कवर था जहाँ सिस्टम लग गया। पीछे का दोनों प्लेट निकल गया। हाँ इसको आप बंद करने के ऑप्शन है। बंद करने का ऑप्शन ठीक है। हैंडल और ये हमारी कैची। तो जो सामान निकला ये भी आपको साथ साथ मैं दिखा दिया कि ये चीज इस तरीके से निकलेगा। इस तरीके से मुझे भी इसकी पार्सल ट्रे भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। इस मॉडल गाड़ी थी इसके अंदर भी है ए टू जेड सब कुछ सेम किया है। इसे कहते हैं कॉपी वही वाला पूरा। ये देखो नेक्सॉन की इसके अंदर भी ये डोर लाइट हो गई पीछे की पावर विंडो हो गई रेयर पे जिसमें आती नहीं है। मतलब काम सारा सेम हुआ है दोनों गाड़ियों में। स्टीयरिंग सेम लगा हुआ है। स्टीयरिंग टाटा के बैजिंग के साथ आपको आरडी कंपनी की फ्लिप के साथ सेंटर लॉक आपको मिल जाएगा हमारे पास। हेड यूनिट भी आपने इसके अंदर सेम दिया। हाँ इसके जो टॉप मॉडल में जो रिमोट आ रहे हैं वो भी रिमोट बहुत जल्द हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ठीक है। वो जो हेड यूनिट लगाया आपने हेड यूनिट भी सेम लगाया इसके अंदर भी। हाँ हेड यूनिट भी सेम है फ्रेम भी सेम है स्पीकर भी सेम है सब कुछ ए टू जेड सब कुछ सेम है। तो मुझे दोनों ओनर है गाड़ी के भी आपका नाम क्या है भैया आपका दिलप्रीत। भैया आप दोनों सेम गाड़ी ली और सेम काम कराया बिल्कुल। तो फ्रेंड है आप दोनों अच्छा भाई है अच्छा अच्छा। तो गाड़ी बिल्कुल सेम मॉडल लिया काम भी एकदम सेम कराया और एक ही जगह से कराया। तो काम कैसा लगा आप लोगों को भैया? काम अच्छा किया सारा इन्होंने सजेस्ट किया। एक्चुअली हमें पता नहीं था क्या क्या होना चाहिए क्योंकि मैं जो पहले गाड़ी यूज कर रहा था उसमें कुछ भी नहीं नॉर्मल गाड़ी यूज कर रहा था। ठीक। तो मैंने इनके पास आया कि भैया ऐसे ये रिक्वायरमेंट है इस बजट की रिक्वायरमेंट है। ठीक। तो आप खुद ही सजेस्ट कर दो। हाँ कि एक नॉर्मल गाड़ी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए नीड की। हाँ अपडेट तो जितना मर्जी करा लो पर नेसेसरी चीजें इन्होंने बता दी। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने लगा दी अच्छे से लगा दी। तो काम कैसा लगा भैया का? काम अच्छा लगा भैया आपको कैसा लगा? काम तो बहुत अच्छा है और लाइक सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये लगी कि जब मैं इसको कह रहा था कि क्या सिस्टम लगाया जाए स्क्रीन का लगाया जाए तो इनके काफ़ी सारी वैरायटी ऑप्शंस बहुत थे। हाँ और हर एक चीज़ इनको जो फीचर्स एक एक चीज़ के टिप्स पे जाते थे अच्छा। तो बहुत ईजी हो गया कि क्या इसको लगाना चाहिए क्या लगाना चाहिए। चलो ठीक है कन्फ्यूजन नहीं रही आप लोगों को। साथ साथ जो भी मेरी क्वेरी थी क्योंकि लाइक मैंने अपनी फर्स्ट कार बाइक है सेकेंड हैंड कार मैंने बाइक की थी जो छोटी मोटी जो क्वेरीज थी वो भी साथ साथ पूछ कर रहा था तो ईजिली आंसर भी करते हैं। ठीक है। बाकी प्राइसिंग वगैरह ठीक लगी भाई आपको? ठीक। फिर मैं एक और दुकान पे भी किया। ठीक है। जो जिन्होंने नेक्सॉन का काम करते हैं। ठीक ठीक ठीक। पर जो रेट बताया वो एक्चुअली सिमिलर ही बताते पर उनके पास ना जैसे जैसे कि हम मंगवा देता हूँ मैं। अच्छा समझ गया। हाँ। जो चीज सामने नहीं आ रही उसके लिए बहुत वेट कर मैं फिर एक दो चीजें पूछी और ज्यादा नहीं पूछी। मतलब ये था कि सामान अवेलेबल नहीं था बट लेकिन कह रहे थे है दिखाने की जगह ही नहीं है। मुझे क्या बोलोगे वो क्योंकि देखो वीडियो हर कोई डालता है। ठीक है। मैं हर बार ही बताता हूँ कि भाई जो अगर कहता है मैं गोदाम से सामान ला रहा हूँ। हाँ। किसी का कोई गोदाम नहीं होता करोड़ में है ही नहीं। गोदाम हाँ। है तो फर्स्ट फ्लोर पे गोदाम है और दुकान है तो दुकान के अंदर डब्बे खाली नहीं सजाए हुए हैं। हाँ। दुकान के अंदर माल है। ठीक हाँ। है। अगर जो भी गाड़ी खड़ी होगी उस गाड़ी की प्रोडक्ट एक न एक चीज दुकान के अंदर होगा। ठीक है। शेटर से बाहर से कुछ भी लाना नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है। तो भैया ने जैसे बताया अगर आप हमारे पास एंड्रॉइड लगवाने आते हैं कम से कम 35 मॉडल एंड्रॉइड का हमारे पास अवेलेबल होता है हर प्राइस सेगमेंट ऑन द स्पॉट। 50 मॉडल की ये स्पीकर ऑन द स्पॉट काउंटर पे अवेलेबल होती है। 15 से 20-25 कंपनी का कैमरा अवेलेबल होती है। तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि भाई वीडियो हर कोई डालता है अब वो जस्ट आपने करना है कि आपको काम कहाँ कराना है आपको बाद में वहाँ से सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा गाड़ी। चलिए आगे भी आना भैया विजिट फिर से करना।